चार साल एक दूसरे को पछाड़ने में लगा दिए। अब किसने किसको पछाड़ा, मैं ये मेरा विषय नहीं है तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती, पर इनकी लड़ाई ने राजस्थान को तो जरूर पिछड़ के छोड़ दिया है। इनकी वजह से राजस्थान पिछड़ गया है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको पूछना चाह रही हूं, चरम सीमा पे प्लीज, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। छोटे से छोटा काम, या मेरे को किसान मिले थे, छोटे से छोटा काम बिना पैसे के नहीं होता है। हर आदमी के पास, किसी भी अफसर में जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ कि पेपर लेने की जरूरत है, कोर्ट में जाने की जरूरत है, कहीं भी आपको छोटे छोटे काम की जरूरत है, वहां आपको बिना पैसे के कोई काम होता नहीं। माने आप ये समझिए कि सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अवैध खनन राजस्थान के अंदर सब दूर फैला हुआ है और करोड़ों रुपया खाया जा रहा है लोगों के द्वारा। ये आप अच्छी तरह से जानते हो, आप आंकड़े उठा के सब देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रदेश टॉप है तो कौन है? राजस्थान। कितनी शर्म की भाई बात है भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे के साथ यहां खड़े हैं, किसको मुंह दिखाएं कि हम किस चीजों में टॉप हैं? तो टॉप है भ्रष्टाचार में, ये कहना चाहेंगे? हमारी सरकार के टाइम में हम कितने चीजों के अंदर टॉप थे? सड़कों पे टॉप थे, पढ़ाई में टॉप थे, अग्रणी प्रदेश था, कितने कितने चीजों में। आज तो ये भ्रष्टाचार, ये लूटपाट, ये गैंग वॉर, ये सब चीजों के अंदर हम लोग टॉप हैं। अरे कर्जा माफी का क्या हुआ, हो गया ना? ये तो वादा पूरा नहीं हुआ ना। मैं पूछती हूं कभी कभी कि कर्जा माफी नहीं होता तो भाजपा की सरकार होती, और भाजपा की सरकार होती तो जो कर्जा माफ होना था वो कर्जा माफ हो जाता, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। परंतु सहकारी बैंकों के अंदर जो लोन देने वाले किसान हैं उनकी बीमा राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है। कराई गई है कोई किसान बैठे हुए नहीं? और किसानों का वर्ष 22-23 के अंदर जो बीमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। परंतु आपका जो प्रीमियम है वो तो वसूल कर लिया गया, उसको तो वसूल कर लिया गया। बिजली का क्या हाल है भाई? क्यों भाई, अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। बिजली का उत्पादन पूरे राजस्थान के अंदर ठप हो रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने घरेलू बिजली 22 से 24 घंटे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था बिना ट्रिपिंग, कोई ट्रिपिंग नहीं था। आज ना 22 से 24 घंटे मिलती है, ना किसान को 5 से 6 घंटे मिलती है, ट्रिपिंग ही ट्रिपिंग है। और मेरे को पिछले 15-20 दिन के अंदर लगातार फोन आते हैं इस किसान के उस किसान के कि हमारे क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं आ रही है, कुछ करो। और मैं बिजली विभाग से पूछती हूं तो बोलते हैं कि ये जो बिजली का फैक्ट्री है वो ठप, वो वाला ठप। बिजली का पैदावार राजस्थान के अंदर पूरी तरह से ठप हो गया, आप कहां से बिजली आपको देंगे? ये हम लोगों को कहते हैं। जयपुर तक के अंदर बिजली की कटौती आपको देखने को मिल रही है, पर ये नहीं है। आज पूरा हमारा प्रदेश कर्जा के अंदर, हमारा पूरा प्रदेश कर्जा के अंदर अब डूब गया है। बजट में घोषणा तो कर दी भाई, बहुत अच्छी अच्छी, आप लोग सब घर गए हो, अरे वाह क्या बजट दिया है हमको। जैसे 10 लाख कर्जा माफ हो जाएगा वैसे ही शानदार बजट आप लोगों को हाथ में पकड़ा दिया है। पर उनके पास ना पैसा है और ना टाइम। और मैं आपको कह दूं कि विधानसभा के अंदर जो बजट अभी पेश हुआ है वो बजट नहीं, वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। वो जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि अपने घोषणा पत्र के अंदर ये क्या करते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आपको एग्जाम्पल दे दूं मैं, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइमरी स्कूल, आपके प्राइमरी स्कूल खुल गया, अरे वो प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे बना, हिंदी मीडियम स्कूल के ऊपर लिख दिया इंग्लिश मीडियम, बन गया। पर कोई टीचर नहीं है, कॉलेज का कोई प्रिंसिपल नहीं है,
तो ये बनेगा तो कैसे बनेगा, ये तो पुरानी आदतें हैं, पहला भी यही करता करा करते थे, आज भी यही काम वही कर रहे हैं। सालासर बालाजी, सालासर बालाजी जो मंदिर है वो हमारा केंद्र बिंदु हमने मानकर राजस्थान के बहुत सारी सड़कें यहां से निकाली। अब ये अकेले ये नहीं है, ऐसे बड़े बड़े मंदिर हमारे पूरे राजस्थान के अंदर हैं, उन मंदिरों से हमने रोडों को जोड़ा, क्योंकि हमने कहा कि जो पर्यटक यहाँ आता है वो हमारी संस्कृति को पहचानता है, वो हमारे क्षेत्र के अगर अगर घूमता है तो अगर वो हमारे मंदिरों को नहीं देखा है तो हमारी संस्कृति क्या देखी। इसलिए हमने सब दूर ये मंदिरों को सड़कों से जोड़ने का काम किया। अब भाइयों, कल मैं आई हूं, आप भी कल से कई कोने कोने से आ रहे हो सालासर, कैसी कैसी सड़क के ऊपर से चढ़ के आ रहे हो, दचका भी नहीं लगा होगा, दचका भी नहीं लगा होगा। अरे दूदू, फुलेरा, सांबर, जोबनेर, खूड से लोसल, कितने घंटे लगते थे, कितना लंबा सर्कल था। आज वहां हम लोगों ने पैदल यात्रियों के लिए भी सड़क बना दी है, तो पैदल यात्री भी कर सकता है। लोसल, फिर सालासर से रतनगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, लंबा चक्कर, कितने प्यार से जुड़ गया है बताओ। डूंगरसर, डूंगरगढ़, बीदासर, सालासर, सालासर, बीदासर, नोहर, नोखा, नागौर, तरनाऊ, डीडवाना, सालासर, सालासर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, दिल्ली, अरे सरसराते हुए चले जाओ। सिंगल रोड था, आज आप बता दो मेरे को कि कितना सुंदर हो गया है कि नहीं है, है ना। हाँ, और उसमें फलोदी जुड़ने से मारवाड़ को भी हमने जोड़ दिया है, फलोदी जुड़ने से वो भी जुड़ गया। फिर सालासर, चूरू, भालेरी, गोगामेड़ी, प्रसिद्ध मंदिर तक, और नोहर भादरा, उसको भी जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। सालासर, रतनगढ़, सरदार शेर, लूनकरण सर, बताओ भाई वहां के भी लोग यहां बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है। सालासर, चूरू, तारानगर, नोहर और सालासर फतेहपुर, जिस रोड पे पागल हो जाते थे सब लोग, दिन दिन निकल जाता था उस रोड पे चल चल के, था कि नहीं। मंडावा से जोड़ा, अरे मंडावा के जब भी मैं निकलती थी तो लोग पकड़ पकड़ के मुझे कहते थे बाईपास बनाओ, बाईपास बनाओ। अब बाईपास बन गया, अब कितना सुंदर बाईपास बन गया है। झुंझुनू से होते हुए राजगढ़ चले जाओ, अरे नितिन गडकरी के साथ जब मैं यहां 10 मार्च 2017 को यहां आई थी तो यहां भाषण के अंदर हमने जो भी घोषणाएं की थी 100% कंप्लीट हो गए हैं, और आप उन्हीं सड़कों पे चल चल के यहां तक आज तक पहुंचे हो, आज सुबह कल रात को इसी पे चले हो। भाइयों, राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी माँ है, इस माँ के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हम भी, हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता और ना कोई इसको रोक सकता है। मैं संगठन के सिपाही के रूप में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा के मशाल को लेकर चल रही हूं और आपको साथ लेकर चला रही हूं। मैंने जो बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। आपकी सेवा को जो संकल्प हमने लिया है वह पूरा होकर ही रहेगा। तो आज मैं धन्यवाद देती हूं सभी संत महात्मा को, मेरी मां को, जिनकी आशीर्वाद से हम यहां तक आ पाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं यहां इकट्ठा हुए हमारे पूरे परिवार को जो राजस्थान के कोने कोने से यहां आज उपस्थित हुए हैं। भाइयों और बहनों, मैंने जब पहले राजस्थान में आई थी तो एक सपना देखा था, मैंने सोचा था कि क्या वो समय आ सकता है जब हम 36 के 36 कौम और सब मजहब के लोगों को एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बांधकर राजस्थान की तरक्की कर सकते हैं। आज मुझे लगता है कि हो सकता है, आपको देख के हो सकता है, 36 के 36 कौम के लोग यहां हैं, सब मजहब के लोग यहां हैं और